गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस लेक्चर 21 वी डिस्कस सम एक्टिविटी डेट आर रिलेटेड विद योर बुक्स एंड सम फैक्ट फाइल कुछ सम कॉन्टेस्ट दे ऑल्सो कैन बी टेकन इन योर बुक एंड एक्सप्लेन दैट एक्टिविटी. पिछले क्लास में हमने आपको कुछ बुक के जो एक्टिविटी थे हमने कुछ उसको भी बताए थे, कुछ आपके होमवर्क भी दिए थे जो कि आपसे बुक से रिलेटेड था, कुछ आपका कॉन्टेक्स्ट कुछ आपका फैक्ट फाइल था उसको भी मैंने दिए थे. इन टुडे लेक्चर वी एक्सप्लेन सम एक्टिविटीज दोज रिलेटेड टू कन्वेक्शन एंड रेडिएशन एंड अदर. एक्टिविटी नंबर 3, एक्टिविटी नंबर 3. आई एक्सप्लेन एक्टिविटी नंबर 3 रिलेटेड टू योर बुक. आज मैं एक्टिविटी नंबर 3 के एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. एक्टिविटी नंबर 3 जो है इसके लिए एम देखिए, टू अंडरस्टैंड दैट हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन इन लिक्विड. मतलब कि कन्वेक्शन इज द सेकेंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू विच हीट कैन ट्रांसफर वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट. फर्स्ट मोड्स आर कंडक्शन, सेकेंड मोड्स आर कन्वेक्शन. तो कन्वेक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर दैट आर यूजेबल इन फ्लूइड्स. इन लिक्विड्स और गैस हीट ट्रांसफर बाई और थ्रू द कन्वेक्शन. लिक्विड और गैस में जो हीट ट्रांसफर होता है वो हमारा कन्वेक्शन प्रोसेस के माध्यम से होता है. कंडक्शन प्रोसेस में हमारा केवल सॉलिड आता है और कन्वेक्शन में केवल हमारा लिक्विड और गैस आता है. इसमें क्या है हमारा मटेरियल रिक्वायर्ड्स में, एक हम लोग बीकर लेंगे, वाटर लेंगे, बर्नर एंड पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल. देखिए इसमें हम लोग मटेरियल क्या क्या लेंगे, बीकर जिसमें हम लोग, ये हमारा बीकर होता है जो कि ग्लास की तरह होता है, लैब में आप लोग देखे होंगे, ठीक है, ग्लास की तरह होता है लेकिन ग्लास होता नहीं है, वो पीने वाला पानी वाला मैं ग्लास बोला हूँ, देखने में उससे थोड़ा आपका साइज में बड़ा होता है, पतला ग्लास होता है. एक आपका बीकर हो गया, वाटर आप लेंगे और एक बर्नर जो कि नीचे से आप इसको गर्म करेंगे, एंड पोटेशियम पर मैग्नेट ये आपका केमिकली सब्सटेंस होता है और उसका क्रिस्टल टुकड़ा, ठीक है. प्रोसीड्यूज में देखिए, टेक ए बीकर एंड फिल 3/4 ऑफ दिस वाटर. एक बीकर लेंगे और इसका अगर 4 पार्ट में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका 3 पार्ट, मतलब उसका यहाँ तक हम लोग 3 पार्ट मतलब 4 भाग का 3 पार्ट हम लोग उसको पानी से फिलअप कर देंगे. ड्रॉप ए स्मॉल सिंगल क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन टू एंड हीट ए जेंटली ऑन लो फ्लेम. एक पोटेशियम पर मैग्नेट का छोटा सा टुकड़ा हम इसमें डाल देंगे और इसको धीरे धीरे से हम लोग इसको कम लो पे, कम फ्लेम पे हम लोग इसको गर्म करना शुरू कर देंगे. ऑब्जर्वेशन हम लोग क्या करेंगे कि द कलर स्ट्रीक ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट राइज अप टू द सरफेस ऑफ द बीकर एंड द सिंक डाउन आफ्टर द सम टाइम. यानी जो क्रिस्टल जो हमारा इस वाटर के सरफेस पे रहेगा फर्स्ट लेवल पे, वो जैसे जैसे हमारा पानी धीरे धीरे गर्म होगा, एक पोटेशियम पर मैग्नेट का एक हमारा लेयर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों की तरफ, अगर पोटेशियम पर मैग्नेट हमारा नीचे है तो इसमें से जाना, जो नीचे अगर सरफेस में पोटेशियम पर मैग्नेट अगर हम यहाँ पर डाले हैं तो जैसे ये गर्म होगा तो पानी के साथ घुल करके या एक लेयर बनाकर ऊपर से फिर नीचे आने लगेगा. तो जैसे यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा तो हम समझ जाएंगे, क्योंकि पोटेशियम, आप कहेंगे सर पोटेशियम पर मैग्नेट हम लोग इसमें क्यों डालेंगे, क्योंकि पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर जो हमारा है सो पिंक कलर का है, ये इजी वे में विजिबल होता है, हम इसको देख सकते हैं.
कि ये हमारा पोटेंशियम पर मैग्नेट का कलर लेकर के ऊपर की तरफ जा रहा है, मीन्स इसका मोलिक्यूल हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कन्वेक्शन हमारा कैसा प्रोसेस होता है? कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच द मोलिक्यूल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। यानी कन्वेक्शन जो होता है सो हमारा हीट ट्रांसफर का एक मोड है जिसमें मोलिक्यूल्स एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है और तब हीट को वह ट्रांसफर करता है। लेकिन कंडक्शन में ऐसा नहीं था, कंडक्शन में केवल मोलिक्यूल वाइब्रेशन करता था ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं कि यहाँ है कोई मोलिक्यूल तो ऐसे यहाँ जा कर के जंप कर जाए और हीट को ट्रांसफर कर दे, नहीं, ये कंडक्शन में नहीं था। लेकिन कन्वेक्शन में है कि अगर कोई मोलिक्यूल यहाँ है तो यह यहाँ तक जा कर के पहुँचेगा, कि जैसे इस फिगर में हम लोग यहाँ पे जैसे देखें कि ये हमारा कोई बीकर है, क्या है ये हमारा कोई बीकर है, आपकी एक्टिविटी में भी दिया हुआ है एक्टिविटी नंबर, इसका फोर्थ, इसका 3/4 पार्ट हम लोग इसका पानी से भर देंगे। एक पोटेशियम पर मैग्नेट का छोटा सा क्रिस्टल हम लोग यहाँ पे इसको जला देंगे। ये यहाँ पे हमारा बर्नर है जो कि हमको हीट करने का काम करेगा, हमको हीट करने का। तो इसमें से जैसे एक पोटेशियम पर मैग्नेट हमारा गर्म हो जाएगा तो पानी का मोलिक्यूल्स भी गर्म होगा। तो ये मोलिक्यूल्स एक ऐसे, मतलब कि एक आपको ऊपर की तरफ लेयर लेकर के, मतलब एक लाइनिंग बनाएगा जो कि हमको ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ से मोलिक्यूल मूव कर करके यहाँ तक आ गया और यहाँ का भी पानी जो होगा सो धीरे धीरे हीट होना शुरू हो जाएगा। तो हमको ये इंडिकेट करेगा कि इसमें मोलिक्यूल एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है, हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन आर मूव वन प्लेस टू अदर प्लेस। यानी कन्वेक्शन प्रोसेस में हमारा ही मोलिक्यूल्स ट्रांसफर होता है। ऑब्जर्वेशन हम लोग क्या किए कि बीकर एंड देन द सिंक डाउन आफ्टर द सम टाइम, और कुछ समय के बाद वह धीरे धीरे नीचे के तरफ भी आना, मतलब डूबना भी शुरू कर देगा। कंक्लूजन द राइज एंड फॉल ऑफ द कलर स्ट्रिक द पोटेशियम, यानी पोटेशियम पर मैग्नेट का ऊपर जाना और नीचे आना, राइज करना मिस होता है ऊपर जाना और फॉल होता है मतलब नीचे की तरफ आना। अब पोटेशियम पर मैग्नेट इंडिकेट्स मोलिक्यूलर मूवमेंट इन वाटर व्हेन इट इज हीटेड, मींस अगर पोटेशियम पर मैग्नेट जो ऊपर जा रहा है फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, ये हमको इंडिकेट कर रहा है कि पानी को गर्म करने के बाद इसका मोलिक्यूल मूव करता है, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आ सकता है। दिस हेल्प द अंडरस्टैंडिंग दैट द ट्रांसफर्स थ्रू कन्वेक्शन इन लिक्विड, हमको हेल्प करता है कि कन्वेक्शन में मोलिक्यूल का ट्रांसफर होता है तब हीट एक जगह से दूसरे जगह हमारा ट्रांसफर होता है। क्लियर सर? कुछ आपके बुक में आपको थिंक एंड आंसर भी आपको दिया हुआ है। इफ पार्टिकल्स आर डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग द ट्रांसफरेंस ऑफ हीट व्हाट वुड यू कॉल दिस? कन्वेक्शन, कंडक्शन ऑफ हीट। कह रहा है कि इफ द पार्टिकल आर डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग द ट्रांसफरेंस ऑफ हीट, डिस्प्लेस मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो जब किसी भी हीट ट्रांसफर में अगर पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह अगर मूव करता है आप उसको क्या कहेंगे? कन्वेक्शन और कंडक्शन ऑफ हीट। यानी सिंपली सी बात है कि जिसमें मोलिक्यूल एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होकर के हीट को ट्रांसफर करता है उसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। कि केवल कन्वेक्शन में ही हमारा मोलिक्यूल एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है और हीट को ट्रांसफर करता है। क्लियर? फिर नेक्स्ट है आपका एक एक्टिविटी नंबर फोर है, टू अंडरस्टैंड हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन। रेडिएशन इज ऑल्सो बी ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच नो नीड्स मटेरियल मीडिया हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अदर और वन प्लेस टू अदर प्लेस। मतलब रेडिएशन एक हमारा हीट ट्रांसफर होने का मेथड है, मोड्स है, जिसमें विदाउट मटेरियल मीडियम का, मतलब बीच में जैसे हम लोग कंडक्शन में देखे थे कि कोई रड है, इस इंड को आप अगर हीट करते हैं तो ये इंड भी हमारा
हीट हो जाएगा, तो बीच में सभी क्या है, मीडियम है, एक दूसरे से सबका कनेक्शन है, क्लियर है। तो इसको हम लोग मटेरियल मीडियम कह सकते हैं कि नहीं, कि ये इंड है, फिर इससे रिलेटेड सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तब यह यहाँ तक हीट ट्रांसफर होगा। लेकिन कन्वेक्शन में देखें कि कन्वेक्शन अगर यहाँ तक वाटर है तो इस वाटर से रिलेटेड सभी वाटर है कि नहीं, तभी यह हीट को ट्रांसफर किया। कन्वेक्शन में भी हमारा वाटर एक जगह से दूसरे जगह लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है। अगर एयर में हीट ट्रांसफर होता है कन्वेक्शन के प्रोसेस से, तो उसमें भी एक जगह का एयर दूसरे जगह के एयर से रिलेटेड होता है। लेकिन रेडिएशन एक हमारा ऐसा प्रोसेस है कि बीच में अगर हीट यहाँ दे रहे हैं, इसके बीच में कुछ भी नहीं है, अगर वैक्यूम हो, अगर बीच में अगर वैक्यूम है, तभी भी यह यहाँ तक हीट को ट्रांसफर कर देगा, ये ऑब्जेक्ट भी हमारा हॉट हो जाएगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट भी हमारा हॉट हो जाएगा। बीच में कोई मीडियम, नो लिंक, फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू सेकेंड ऑब्जेक्ट, यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट से और सेकेंड ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी हमारा लिंक नहीं है, वैक्यूम है, तभी भी यह हीट को ट्रांसफर कर देगा। और जो हमारा हीट एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होने के लिए मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती है, उसे हम लोग रेडिएशन एनर्जी के भी नाम से जानते हैं, उसे हम लोग रेडिएशन प्रोसेस भी इसे हम लोग कहते हैं। और जो हमारा हॉट ऑब्जेक्ट होता है, सभी हॉट ऑब्जेक्ट हीट को रेडिएट करता है, मीन्स हीट को उत्सर्जित करता है, क्लियर है। तो इसी के तौर पे इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक हमारा एक्टिविटी है, जो कि आपको एक्टिविटी नंबर 4 है, इसमें हम लोग देखेंगे एक्टिविटी नंबर 4 है, जो कि आप ही के बुक का है, देख लीजिए। द अंडरस्टैंड हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन, रेडिएशन में कैसे हीट ट्रांसफर होता है, ये देख लीजिए। मटेरियल रिक्वायर्ड कैंडल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर, मतलब कि कैंडल लेंगे और लेबोरेटरी थर्मोमीटर, डैट थर्मोमीटर यूज्ड इन लेबोरेटरी आर नोन एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर, वह थर्मोमीटर जो लेबोरेटरी में प्रयोग किया जाता है उस थर्मोमीटर का क्या नाम है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। देखिए इसके प्रोसीड्यूर में, टेक अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड ऑब्जर्व इट्स इनिशियल टेम्परेचर रीडिंग, कहता है कि एक थर्मोमीटर लेंगे और इसका इनिशियल, मतलब कि इसका मर्क्यूरी जो है सो कहाँ स्टॉप है, जो इनिशियल मतलब शुरुआती टेम्परेचर, शुरू का टेम्परेचर इसका कितना है, तो शुरू का टेम्परेचर हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जानते हैं कि -10 डिग्री सेल्सियस होता है, क्लियर है। लाइट ए कैंडल एंड ब्रिंग ए थर्मोमीटर ए लिटिल क्लोजर टू द फ्लेम, और कैंडल को जलाएंगे, धीरे धीरे क्लोज कर करके इसको लाएंगे, नेवर डायरेक्टली एक्सपोज द थर्मोमीटर बल्ब टू फ्लेम, थर्मोमीटर के बल्ब को डायरेक्ट हम लोग कैंडल के पास नहीं लाएंगे, होल्ड द थर्मोमीटर नियर द कैंडल, थर्मोमीटर को कैंडल के नज़दीक ला करके, नहीं कि इसमें बिल्कुल इसके फ्लेम के ऊपर ला करके, कुछ नज़दीक में ला करके इसको स्टॉप करेंगे कैंडल, बट श्योर डैट डज नॉट टच टू द फ्लेम, उसके फ्लेम से टच नहीं होना चाहिए, नोट द चेंज इन टेम्परेचर, धीरे धीरे हम लोग देखेंगे क्या कि यह टेम्परेचर को में इसमें चेंजिंग हो रहा है। तो हमने ये बताया था एनी हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएट हीट एनर्जी, वह हीट एनर्जी को इसमें रेडिएट करेगा, मतलब उत्सर्जित करेगा, और यहाँ के कारण यहाँ भी थर्मोमीटर का भी टेम्परेचर हमारा राइज करना शुरू, नोटिस है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में हमारा चेंजिंग हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर शो चेंज इन टेम्परेचर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होगा वो टेम्परेचर में चेंजिंग शो करेगा, मतलब पहले का टेम्परेचर कुछ अलग था और इसको कैंडल को जलाने के बाद आफ्टर सम टाइम द टेम्परेचर आर सम डिफरेंट, कंक्लूजन एज देयर इज नो अदर सोर्सेस ऑफ हीट और एनी हीटिंग बाई कॉन्डक्ट, मीन्स फाइनली कंक्लूजन वी कंक्लूज नो एनी अदर ऑब्जेक्ट हीट डैट आर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, मीन्स थर्मोमीटर हीटिंग बाई कॉन्डक्ट, दिस क्लियरली प्रूव
द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू रेडिएशन, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि रेडिएशन के माध्यम से भी हमारा हीट का ट्रांसफर होता है। रेडिएशन मीन्स क्या होता है कि कोई भी अगर हॉट ऑब्जेक्ट है तो वो हीट को रेडिएट करेगा। दे कैन रेडिएट द हीट एनर्जी एंड एनी ऑब्जेक्ट नियर टू इच अदर, दे ऑब्जर्व द हीट एंड सम पार्शियली ऑब्जर्व हीट एंड मे बी पार्शियली रिफ्लेक्ट द हीट। द ऑब्जर्वेशन ऑफ हीट एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ हीट डैट आर डिपेंड अपॉन डैट मटेरियल टू क्लोज द इच अदर। इन प्रीवियस लेक्चर वी कैन ऑल्सो बी डिस्कस दिस, इफ एनी साइनी ऑब्जेक्ट डैट आर क्लोज टू एनी रेडिएटर रेडिएट हीट ऑब्जेक्ट्स, दे आर रिफ्लेक्टेड द मोर parts of heat, and that are any dark colored object that are more absorb the heat। means हमने ये बताया था पिछले क्लास में कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट अगर हॉट ऑब्जेक्ट है जैसे कैंडल, यहाँ पे अगर हम लोग जला करके छोड़ दें, कैंडल को जला कर छोड़ दें, सपोज कर लेते हैं कि ये कैंडल है, तो इसके आसपास में तो ये तो हीट रेडिएट करेगा, हीट को उत्सर्जित करेगा, तो आसपास का जो भी ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ हो, वो ऑब्जेक्ट हीट को एब्जर्व करेगा, हीट को एब्जर्व करेगा। तो कौन कितना एब्जर्व करेगा उस ऑब्जेक्ट के नेचर पे डिपेंड करता है कि अगर ऑब्जेक्ट साइनी ऑब्जेक्ट है तो वो हीट को ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देगा, अगर ऑब्जेक्ट अगर डार्क कलर में है तो वह हीट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जर्व करेगा। तो हीट का एब्जर्व और रिफ्लेक्शन ये उसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो आज हम लोग एक्टिविटी नंबर 4 देखें। नेक्स्ट आपको साइंटिस्ट कॉन्टेस्ट है, द कोल्ड प्लेस सच एज हिली एरिया रूफ हाउसेस आर पेंटेड ब्लैक टू मैक्सिमाइज द ऑब्जर्वेशन ऑफ हीट फ्रॉम द सन। साइंस इन कॉन्टेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि जो हिली एरिया होता है यानी ठंडे प्लेस का एरिया, उसका छत जो होता है सो ब्लैक कलर का, पेंटेड ब्लैक यानी मैक्सिमम ब्लैक कलर से पेंटिंग इसलिए किया जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसके आसपास में जैसे सन का अगर थोड़ा अमाउंट में भी अगर हीट आता है तो डार्क कलर एब्जर्व द मोर अमाउंट ऑफ हीट। तो डार्क कलर जो है सो हीट के अमाउंट को अधिक से अधिक वह एब्जर्व करेगा और जिससे कि घर को वह गर्म रख सकता है। इस तरह से हम लोग इसका फोर एक्टिविटी है उसको हम लोग देख लिए, साइंस इन कॉन्टेक्स्ट देख लिए। इन नेक्स्ट लेक्चर वी ऑल्सो बी एक्सप्लेन, फिल इन द ब्लैंक्स, योर टिक द करेक्ट क्वेश्चन एंड योर ट्रू फॉल्स एंड शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस इज ऑल्सो बी एक्सप्लेन इट। तब तक के लिए गुड बाय।